हाय फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो देखिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ तो देखिए उसके लिए मैंने क्या क्या मटेरियल लिया है मैंने ये रेड कलर का ऊन लिया है ये वाइट कलर का ऊन लिया है ये कुर्सिया लिया है और ये मैंने तोरण पट्टी लिया है फ्रेंड इसको मैंने पहले से ही बना के रखा था इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से हमें इसको अलग अलग ऐसे नाप के ऐसे तीन पार्ट में कर देना है उसके बाद देखिए हमें एक एक पार्ट में हम इतना इतना डिज़ाइन में ऐसे तीन भाग में डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया है मैंने ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एट्टीन नाइन्टीन नाइनटीन इधर देखिए ये हमारा जो डबल क्रोशिया का फ्लावर है ये नाइनटीन है तो इतने में हम एक डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताती हूँ देखिए फ्रेंड मैंने ये रेड कलर का ऊन लिया है देखिए इस ऊन को मैं यहाँ पे अटैच करूँगी यहाँ पे फ्रेंड देखिए कॉर्नर पे इस तरह से अटैच यहाँ इसे छोड़ देंगे फ्रेंड देखिए यहाँ यहाँ पर हम इसे इस वाले कॉर्नर को छोड़ के यहाँ पर देखिए हम इसे इस लूप में अटैच करेंगे तो देखिए फ्रेंड इसे मैं इस तरह से ऐसे बांध दूँगी इसके बाद देखिए फ्रेंड हमें इस तरह से डबल क्रुशिया कर लेना है डबल क्रुशिया करने के बाद इसे हम फ्रेंड इस तरह से ऐसे इसमें मोड़ लेंगे ताकि ये दिखे ना बाहर तो देखिए वन टू देखिए मैंने टू टाइम्स डबल क्रुशिया किया फिर देखिए वन टू ऐसे ही दो डबल क्रोशिया हमें कर करके फ्रेंड देखिए इसे ऐसे ही बनाना है तो देखिए फ्रेंड इसी तरह से मैं ऐसे ही डबल क्रोशिया करती जाऊंगी सेम इसी प्रोसेस से तो देखिए फ्रेंड मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एंड सेवन एंड एट तो देखिए एट टाइम मैंने ऐसे ही डबल क्रोशिया करके इसे इस तरह से फ्लावर बना लिया देखिए फ्रेंड फिर से मैं देखिए एक ऐसे चैन बनाऊंगी उसके बाद फिर एक लूप छोड़ के दूसरे वाले रो में देखिए मैं फिर से ऐसे ही क्रशिया को अटैच करूंगी फिर ऐसे ही हमें डबल कुशिया एट टाइम करते जाना है तो देखिए फ्रेंड टू थ्री फोर फाइव थ्री थ्री सिक्स सेवेन एंड एट तो देखिए मैंने एट टाइम फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लिया उसके बाद देखिए फ्रेंड फिर एक चैन बनाऊंगी, फिर इस रो में इसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेना है तो देखिए हर एक रो में हम इसी तरह से एट टाइम डबल क्रोशिया ऐसे ही बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड सेम इसी प्रोसेस से मैं आपको बना के दिखाती हूँ फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन बना लिया है तो देखिए अब मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन कट कर लूँगी तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन कट कर लूँगी फ्रेंड तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने ऐसे ही सेवन टाइम देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टाइम मैंने इसे बना लिया है अब यहाँ पे देखिए हर एक चैन में मैं फिर से इसी तरह से एट एट टाइम ऐसे ही डबल क्रोशिया करके बना दी जाऊँगी तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर ऊन अटैच किया है तो देखिए इस तरह से हम इसी में ऊन को ऐसे डाल के इस तरह से गाठ लगा लेंगे फ्रेंड तो देखिए इस तरह से हमने ऊन को ऐसे अटैच कर लिया है तो हम ऊन को फ्रेंड इस तरह से रख लेंगे ताकि ये हमारा इसी में ढक जाए दिखे ना तो देखिए मैंने ऐसे डबल कुशिया कर लिया है उसके बाद देखिए वन टू इसी तरह से हमें डबल कुशिया एट टाइम नीचे भी ऐसे ही फ्रेंड करते जाना है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देखिए थ्री थ्री सिक्स एट तो उसके बाद फिर से हम फ्रेंड एट फिर हमें ऐसे टू टाइम्स ऐसे चैन बना लेना है फ्रेंड फिर यहाँ पे सेम इसी प्रोसेस से हमें एट टाइम डबल क्रोशिया कर लेना है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो देखिए फ्रेंड फिर से मैंने यहाँ पे एट टाइम ऐसे ही डबल क्रोशिया किया उसके बाद फिर वन टू टू चैन बना लूँगी उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे उसी तरह से एट टाइम डबल क्रोशिया करते जाना है तो देखिए फ्रेंड फर्स्ट रो में मैंने सेवन ऐसे ही फ्लावर बनाए हैं अब इसमें मैं वाइट वाला सिक्स बनाऊँगी इसके बाद फिर रेड वाला मैं फाइव बनाऊँगी इसी तरह से हमें नीचे की तरफ ऐसे ही एक एक रो घटाते जाना है तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैं यहाँ पे एट टाइम देखिए ऐसे ही डबल क्रोशिया कर करके फिर आपको इस रो को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ उसके बाद देखिए वाइट मैंने सिक्स बना लिया है अब फिर मैं रेड फाइव बनाऊँगी तो चलिए देखिए फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रेड किस तरह से ऐसे ही हमें फिर रेड कलर का भी फाइव ऐसे ही डबल कुशिया कर कर के ऐसे ही से एट टाइम ऐसे ही लपेट लेना है फ्रेंड तो देखिए अब मैं इसी तरह से रेड कलर अटैच कर ली हूँ अब देखिए फिर से हमें ऐसे डबल कुशिया कर लेना है उसके बाद इस तरह से हमें वन टू इसी तरह से फ्रेंड हमें डबल क्रशिया ऐसे ही फिर से एट टाइम करते जाना है सेम इसी प्रोसेस से फ्रेंड ये बहुत इजी है बनाना तो देखिए इसी तरह से हमें एट एट टाइम्स डबल क्रशिया करते जाना है देखिए फ्रेंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देखिए एट टाइम मैंने ये डबल क्रोशिया कर लिया है उसके बाद वन टू इस तरह से मैं टू चैन बनाऊंगी फ्रेंड उसके बाद देखिए फिर इसमें इस वाले रो में फिर से हम एट टाइम ऐसे ही डबल क्रोशिया करते जाएंगे तो सेम इसी प्रोसेस से फ्रेंड हमें ये पूरा नीचे तक जब तक वन ना आ जाए ऐसे हमें बनाते जाना है तो देखिए सेम इसी प्रोसेस से मैं आपको बना के ये लाइन भी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड सेम इसी प्रोसेस से मैंने फिर से यहाँ पे पाइप इसी टम डबल क्रोशिया कर करके इस तरह से फ्लावर बना लिया है फिर देखिए मैं ये रेड कलर का ऊन कट कर लूँगी इसके बाद फिर मैं वाइट कलर अटैच करूँगी फ्रेंड तो देखिए अब मैं वाइट कलर अटैच करूँगी देखिए फ्रेंड ये मैंने वाइट कलर अटैच कर लिया है अब यहाँ पे देखिए फिर मैं इसी तरह से फ़ोर टाइम फोर लाइन यहाँ पे भी देखिए बना के ऐसे डबल खुशियाँ कंप्लीट करूँगी देखिए टू थ्री ऐसे ही हमें एट एट टाइम देखिए फ्रेंड ऐसे ही बनाते जाना है देखिए फ्रेंड ये हमारा एट टाइम बन गया फिर हम ऐसे ही टू चैन बना लेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे हमें एट टाइम फिर इसी तरह से बनाते जाना है टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ पे फिर से फोर टाइम वन टू थ्री फोर फोर टाइम वाइट कलर अटैच कर लिया है अब मैं इस वाइट कलर को भी इस तरह से कट कर लूँगी तो देखिए फ्रेंड अब मैं रेड कलर फिर से अटैच करूँगी सेम इसी प्रोसेस से फ्रेंड हमें ऐसे ही एक बार वाइट एक बार रेड एक बार वाइट एक बार, बार रेड ऐसे इसी तरह से नीचे तक ऐसे डिज़ाइन बना लेना है तो देखिए अब मैं रेड कलर का अटैच करूँगी फ्रेंड इस तरह से मैंने रेड कलर फिर से देखिए अटैच कर लिया है अब मैं इसे इसी तरह से बुनाई करते जाऊंगी एट टाइम देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से हमें ऐसे ही बनाते जाना है तो देखिए इसे मैं ऐसे ही थ्री टाइम एट टाइम बुनाई करके ऐसे थ्री लाइन में अटैच करूंगी तो देखिए ऐसे ही डबल क्रशिया कर कर करके हमें फ्रेंड एट टाइम बना लेना है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट उसके बाद ऐसे ही हमें टू चैन बना लेना है फिर से देखिए यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है फिर इसी तरह से हमें एट टाइम डबल क्रोशिया करते जाना है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे फिर से मैंने एट टाइम डबल क्रोशिया कर लिया है अब इसके बाद देखिए फ्रेंड फिर से हम ऐसे ही वन टू टू चैन बनाएंगे फिर यहाँ पे एट टाइम ऐसे ही डबल क्रोशिया करके फिर ये रेड कलर कट करके निकाल के फिर मैं वाइट कलर अटैच करूँगी फ्रेंड तो देखिए इसे भी हम इसी तरह से एट टाइम डबल क्रोशिया करके ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो देखिए फ्रेंड एट टाइम मैंने ये डबल कुशिया कर लिया है अब इसके बाद इस तरह से हम उनको ऐसे कट करके बाहर कर देंगे अब देखिए फ्रेंड अब मैं यहाँ पे देखिए अब मैं वाइट कलर अटैच करूँगी फ्रेंड तो फिर से मैं इसमें वाइट कलर ऊन अटैच कर रही हूँ सेम इसी तरह से हमें फिर से वाइट कलर ऊन अटैच कर लिया अब देखिए यहाँ पे फिर मैं एक टाइम ऐसे डबल खुशियाँ करूंगी वन टू थ्री फोर फाइव क्स सेवन एट तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस तरफ भी एट टाइम ऐसे ही डबल कुर्सियाँ कर लिया है उसके बाद वन टू टू चैन बनाऊंगी, फिर इस वाले रो में फिर इसी तरह से एट टाइम डबल कुर्सियाँ कर लूँगी तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मुझे यहाँ पे एट टाइम डबल कुर्सियाँ कर लेना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट अब देखिए फ्रेंड मैं व्हाइट कलर कट करके निकाल लूँगी देखिए मैंने इस तरह से वाइट कलर कट करके निकाल लिया है फ्रेंड अब मैं यहाँ पे देखिए वन टाइम रेड कलर अटैच करके फिर फ्रेंड यहाँ पे फिर मैं ऐसे रेड कलर अटैच कर ली हूँ अब फिर मैं यहाँ पे रेड कलर भी डबल खुशिया ऐसे कर करके एट टाइम इसी तरह से बना लूँगी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एंड एट तो देखिए फ्रेंड इसी तरह से मैंने यहाँ एट टाइम रेड कलर ऐसे ही डबल कुछियाँ कर कर करके ऐसे ही निकाल लूँगी अटैच करके तो देखिए फ्रेंड ये हमारा इस तरह से एक रो बन के कम्प्लीट हो गया है तो देखिए फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है तो देखिए इसे मैंने ऐसे ही एक उंगली यहाँ के एक उंगली यहाँ के फ्रेंड एक बीते के नाप से मैं इसे बनाई हूँ फिर इतना ही जगह फ्रेंड हम यहाँ पे छोड़ देंगे देखिए अपने हाथ को इस तरह से रख के मैंने इतना ही जगह यहाँ पे छोड़ दिया है और फिर यहाँ से मैं फिर शुरू करूँगी तो चलिए फ्रेंड यहाँ से फिर से मैं रेड कलर अटैच करती हूँ तो देखिए फ्रेंड इसी तरह से हमें यहाँ पर फिर से रेड कलर अटैच करना है और देखिए फ्रेंड रेड कलर अटैच करने के बाद सेम यही डिज़ाइन फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ ये फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया था सेम वही डिज़ाइन देखिए एक मैं यहाँ पे बनाई हूँ एक यहाँ पे तो देखिए सेम वही डिज़ाइन हमें वन टू थ्री थ्री रो में बना लेना है ना इतना हमें फ्रेंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन इधर फिर फोर्टीन इधर हमें देखिए यहाँ पे फोर्टीन ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद ऐसे ही हमें थ्री डिज़ाइन बना के कम्प्लीट कर लेना है तो देखिए मैंने इसमें थ्री डिज़ाइन बना के कम्प्लीट कर लिया है तो आगे का डिज़ाइन मैं अब आपको बनाना दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड ये जो गैप मैंने छोड़ा था यहाँ पे यहाँ पे तो देखिए उसी गैप में मैंने कुछ इस तरह से देखिए डिज़ाइन बनाया है जिसे मैंने इसको पाँच इसको छः इसको सात इसको आठ नौ दस ग्यारह ऐसे ही एक फ्लावर बढ़ा बढ़ा के इस तरह से देखिए डिज़ाइन बनाया है तो देखिए फ्रेंड यही डिज़ाइन मैं आपको इस साइड बताने जा रही हूँ तो चलिए हम वही डिज़ाइन इस तरफ भी बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड मैं उसे कैसे बनाती हूँ तो उसे हमें इससे ऐसे उल्टा रख लेना है इसके बाद देखिए इस वाले रेड वाले फ्लावर में हमें रेड कलर का ऊन अटैच करना है तो देखिए फ्रेंड मैं इस रेड वाले फ्लावर में इस तरह से देखिए रेड कलर का ऊन अटैच देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें इसमें ऊन अटैच कर लेना है इसके बाद जो एक्स्ट्रा हो उसको कट कर देना है इसके बाद देखिए अब हम इसमें ऐसे फोर टाइम चैन बनाएंगे देखिए फ्रेंड इस तरह से वन टू थ्री एंड फोर देखिए मैंने फोर चैन बनाया अब इसके बाद हमें इस तरह से इसको ऐसे ही ऐसे उंगली पे इस तरह से हमें फिंगर पे इसको रख के फिर एक बार ऐसे ही देखिए लपेट लेना है उसके बाद फिर यहाँ पे एक चैन में से हमें ऐसे खुशियाँ डाल के फिर इस ऊन को ऐसे बाहर निकालना है फिर इसी पे हमें रख के लपेट लेना है फिर इसी तरह से हमें फिर चैन को रख के ऐसे खुशिया से बाहर निकाल लेना है इसी तरह से फ्रेंड हमें टेन टाइम्स इसको ऐसे करते जाना है तो देखिए इसी तरह से मैं इसमें ऐसे ही टेन टाइम ऊन को इसी तरह से देखिए लपेटूंगी उसके बाद देखिए ये हमारा टेन टाइम हो गया फ्रेंड अब हम इसमें देखिए ऐसे कुर्सिया बीच में डाल के ऐसे इसे कुर्सिया के ऊपर उतार लेंगे फ्रेंड उसके बाद हम इसमें देखिए इस तरह से एक चैन बना लेंगे फिर देखिए एक दो तीन चार हमने फिर से फोर चैन बनाया फ्रेंड फिर हमें इसी तरह से जैसे ये मैंने बनाया फिर इसी तरह से हमें फिर से वही प्रोसेस करना है देखिए सेम इसी प्रोसेस से हमें फिर से इसे बनाना है ऐसे ही टेन टाइम हमें इसमें ऐसे ही बार बार ऐसे कुशिया डाल के ऐसे टेन टाइम ऐसे लपेट लेना है फ्रेंड इस देखिए ये हमारा टेन टाइम हो गया फिर उसी प्रोसेस से फ्रेंड फिर से हमें इसे इस कुशिया के ऊपर देखिए ऐसे रख लेना है उसके बाद हमें इसी में ऐसे ही एक ऐसे चैन बना लेना है उसके बाद देखिए फ्रेंड वन टू थ्री एंड फोर इसी तरह से फ्रेंड मैं ये वाला देखिए फाइव बना लूँगी सेम यही कर, इसी तरह से हमें इसको वन टू मैंने बनाया थ्री और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड ये मैंने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इसी तरह से फ्लावर बना लिया है फ्रेंड इसके बाद देखिए मैंने फोर चैन बनाया है अब इसे देखिए मैं ऐसे ही बैक साइड से पलट के इस तरह से देखिए यहाँ पे ऐसे ही रख ली हूँ इसके बाद देखिए फ्रेंड हम यहाँ इस साइड से देखिए मैंने इस वाले रेड में से इसे अटैच किया था अब इस वाले रेड में इसे हमें ला के ऐसे ही फिर से अटैच कर देना है तो देखिए फ्रेंड उसके लिए हमें इस तरह से खुशिया में इसको लेकर फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए ऐसे ही वन टू ऐसे ही एक चैन बना के इस तरह से हमें ये रेड कलर को कट कर लेना है और ये देखिए हमें एक इसमें ऐसे ही गांठ लगा देना है तो देखिए फ्रेंड ये मैंने एक रो बना लिया है अब देखिए सेम इसी प्रोसेस से अब मैं यहाँ पे वाइट अटैच वाइट कलर अटैच करूँगी और फिर जैसे इसमें मैंने फाइव बनाया है उसमें मैं सिक्स कलर का इसी तरह से फ्लावर बना के रेडी करूँगी तो चलिए मैं वाइट कलर अटैच करके आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसमें वाइट कलर अटैच कर लिया है अब इसी तरह से हमें इसमें भी देखिए ऐसे ही वन टू थ्री फोर देखिए हमने फ़ोर चैन बनाया सेम उसी प्रोसेस से फ्रेंड हमें इसमें भी ऐसे ही टेन टाइम्स ऐसे ही एक चैन में ऐसे क्रोशिया डालना है और डाल के इस तरह से हमें टेन टाइम्स ऐसे ही इसे लपेट लेना है तो देखिए सेम उसी प्रोसेस से फ्रेंड हमें इसको भी करना है देखिए फ्रेंड मैंने इसमें ऐसे ही टेन टाइम्स ऐसे ही वाइट कलर लपेट के फिर इस वाले क्रशिया पे देखिए उतार के फिर हमने एक चैन बना लिया है फिर देखिए वन टू थ्री फोर फिर इसी तरह से हमें फ्रेंड सिक्स एक मैंने बना लिया है फाइव और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड फिर मैं यहाँ पे रेड कलर अटैच करूँगी फिर यहाँ पे जैसे मैंने सिक्स फ्लावर बनाया है सेम उसी तरह यहाँ पे रेड कलर से सेवन फ्लावर बना के फिर इस रेड कलर में अटैच करूंगी तो देखिए फ्रेंड यहां पे मैंने ये रेड वाला फाइव फ्लावर इस तरह से बनाया फिर वाइट वाला सिक्स फिर ये रेड वाला सेवन इसी तरह से फिर मैं वाइट वाला एट फिर रेड वाला नाइन फिर वाइट वाला टेन फिर रेड वाला इलेवन इसी तरह इसी प्रोसेस से फ्रेंड मैं पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड ये मैंने कुछ इस तरह से देखिए इस साइड भी बना लिया है और सेम इसी प्रोसेस से देखिए मैंने इस साइड भी बना लिया है तो देखिए अब ये बीच में हमारा जो ये गैप ये एक फ्लावर है इसी फ्लावर में फ्रेंड देखिए मैं इस तरह से चैन बनाऊंगी जो उसके लिए मैंने देखिए रेड कलर का ऊन ले लिया है अब देखिए इसमें हम इधर फोर फोर डबल क्रोशिया इधर छोड़ देंगे फोर डबल क्रोशिया इधर इसके सेंटर में देखिए हम इस तरह से क्रोशिया अटैच करें कुरसिया को डालेंगे उसके बाद देखिए इस तरह से हम ऊन को अटैच कर लेंगे देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से हमें उनको अटैच कर लेना है उसके बाद इसको कट कर देना है अब देखिए यहाँ पे मैं सेवेंटी चैन बनाऊँगी तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इसी तरह से फ्रेंड मैं सेवेंटी चैन बना के फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने सेवेंटी ऐसे ही चैन बना लिया है अब इस चैन को देखिए हमें ऐसे ही डबल कर लेना है फ्रेंड फिर इसी प्रो इसी रो में देखिए जहाँ पे मैंने इसे अटैच किया था उसी रो में फिर से इसे इस तरह से अटैच कर लेना है तो देखिए इस तरह से देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया डबल करके वापस से फिर मुझे ऐसे ही सेवेंटी चैन देखिए फ्रेंड मैं बनाऊंगी उसके बाद फिर इसी तरह से मैं उसे भी ऐसे ही डबल कर लूँगी तो चलिए सेम उसी प्रोसेस से हमें इसे भी इस तरह से अटैच करके और इसे कट कर लेना है तो देखिए ये रेड कलर का मैं कट कर लूँगी तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही टू चैन बना लिया है फ्रेंड एक ही साइज़ का तो अब देखिए इसमें मैं वाइट कलर का फ्लावर अटैच करूँगी जैसे मैंने ये देखिए किया है तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे किया है तो देखिए फ्रेंड इसे मैं ऐसे ही रख लूँगी इसके बाद देखिए हम फ्लावर कैसे बनाते हैं देखिए फ्रेंड ये दोनों ऐसे ही बराबर रहेगा देख लीजिए तो इस तरह से हमें इसे ऐसे ही बराबर रख लेना है तो देखिए अब मैं आपको व्हाइट कलर का ऊन फ्लावर बना के दिखाती हूँ तो देखिए इस तरह से हमें ऐसे उंगली में इतने लंबाई में फ्रेंड इसे हमें ऐसे ही टेन टाइम या फिफ्टीन टाइम जितना मोटा पतला आपको करना हो उस हिसाब से देखिए हम इसे लपेट लेंगे तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसे फिफ्टीन टाइम ऐसे ही लपेट लिया है अब देखिए इसे मैं इस तरह से फिंगर में से बाहर कर लूँगी उसके बाद हम इसे बराबर करके देखिए इसी चैन में ऐसे ही बीचों बीच इसे हम ऐसे ही बराबर करके फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे ऐसे बांध देंगे तो देखिए उसके लिए मैंने एक छोटा ऊन लिया है अब इसी से मैं इसे ऐसे ही बांध दूँगी देखिए फ्रेंड इसी प्रोसेस से हमें इसे बांध लेना है और इसे हमें कट कर देना है अब देखिए फ्रेंड इसके बाद हम क्या करेंगे हमें इसको ऐसे सेंटर से एकदम अच्छे से सारे ऊन को इस तरह से ऐसे कट कर लेना है उसके बाद देखिए फ्रेंड हम इसको ऐसे बराबर कर लेंगे उसके बाद जो भी हमारा छोटा बड़ा ऊन होगा उसको हम ऐसे ही बराबर से कट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा तो इस वाले चैन में भी फ्रेंड हम इसी तरह से अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ ऐसे मैंने इसमें भी देखिए वाइट कलर का ऊन अटैच कर लिया है अब उसको देखिए फिर से हम उसी तरह से ऐसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद फ्रेंड हम इसे फिर से देखिए ऐसे ही बराबर करके जो छोटा बड़ा ऊन हमारा होगा उसे हम कट करके ऐसे ही एक बराबर कर देंगे तो देखिए फ्रेंड इसे मैंने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है तो ये हमारा कुछ इस तरह से देखिए डिज़ाइन बन कर के आया है देखिए फ्रेंड ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू